so I was telling about that I was staying in Delhi and now I stay in Mumbai. It's a lot of contrasting cultures. It's a lot of contrasting cultures, right? But there are a few things that are very similar. Like there's a lot of clubbing culture. In Delhi, Mumbai, everywhere, there's a lot of clubbing culture. I've seen guys talking with each other. Dude, you wala club nahi jayenge ya na crowd achha nahi aata. And I'm like, bhai, tu Jharkhand se aaya hai. Tere pant ke piche wali jeb mein choti kangi padi hai. तेरी छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है और तूने चोच वाला जूता पहना है, तू ही है वो गंदा क्राउड, कहीं मत जा, सब सही हो जाएगा. तू घर पे बैठ के दारू भी, लड़की लोग सड़कों पे सेफ है. हो रहा है आजकल ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको. नहीं, आजकल कुछ लोग होते हैं आपने देखे होंगे जो कि लाइफ में ना कूल बनने की कोशिश करते हैं. They want to become cool. और ये लोग cool बनने के लिए क्या करते हैं ना, ये लोग खरीदते बुलेट, रॉयल एनफील्ड. रॉयल एनफील्ड मेरे हिसाब से क्या है ना, वो है हार्ले डेविडसन की नजायज औलाद. इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीत रोते रहते बच्चा पैदा होता है ना, डुक 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 मम्मी डुक डुक डुक, वो बुलेट था. आप किसी नॉर्मल बाइक वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, जेन्युइन जवाब देगा, इसकी एवरेज अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है. कभी बुलेट वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, पहले तो लड़ाई कर लो, तूने मेरी बुलेट को बाइक कैसे बोला, दिस इज मशीन होगा, दिस इज मशीन. तो हमने, अच्छा भाई तूने टर्मिनेटर क्यों खरीदा बता फिर. क्या डूड, इसमें से ना फीलिंग्स आती, इसमें ना अलग लेवल की फीलिंग आती, इसमें ना मतलब एक आवाज आती, फीलिंग्स आती है. मतलब डूड तो किस लेवल का ठरकी है यार, नहीं मोटरसाइकिल से कौन फिनिश लेता है, तो टंकी पे क्या रगड़ रहा है आजकल, नहीं तुझे पता ना ग्रीस लगा के साफ करनी होती है और कुछ नहीं लगाना होता है. आई रिसेंटली वेंट टू पंजाब. पंजाब में बुलेट इज नॉट बुलेट, ओवर देयर इट इज बुल्ट, क्योंकि पंजाबी खाने क्या होते, वर्ड्स भी खा जाते हैं. जैसे पंजाबी सॉन्ग अबाउट बुलेट, एक यार बुलेट भी हो ही लाख दी, दूजा यार महंगा पेट्रोल हो गया, विच बेसिकली मीन्स एक बुलेट 1 लाख की हो गई और पेट्रोल महंगा हो गया है, तो भूतनी के बेच रहे हैं, उसमें गाने क्या बना रहा है तू, डाल इसे OLX पे, लाइबिलिटी है तेरी लाइफ के अंदर ये. और बुलेट ना बंदा कभी अकेले नहीं खरीदता, उसको 4-5 चीज साथ में लेनी पड़ती है. उसको एक तो वुडलैंड की जूते खरीदने पड़ते पक्का, क्योंकि चप्पल में स्टार्ट होने से बुलेट मना कर देती है, ये वो रिवर्स मार दी, हट मैं नहीं स्टार्ट. आई अपोलोजाइज बुलेट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी. बुलेट लेती बंदी की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है. सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे ना एक बुलेट गैंग ज्वाइन करना होता है, रॉयल एनफील्ड गैंग. नो देयर्स अ बुलेट गैंग, द नेम ऑफ द गैंग इज 60 kmph, दैट इज 60 km/h. ये ना नैनो वाले गैंग का नाम होना चाहिए, बिकॉज नैनो एट 60 डूड फुल थ्रॉटल, क्या दौड़ा रहा है वो, 63 ब्रो, एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे कर यार, इंजन फट जाएगा. सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बुलेट वाले की लाइफ में आती है, उसे ना एक बार लेह लद्दाख जाना होता है, और जाना ही जाना होता है. इनमें से ना आधे लोगों का जाने का मन नहीं करता, पर ये लोग पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो बुलेट अपने आप चली जाएगी. तो बैठे रहे बैंक बुढ़बरा में जा रही हूँ, बट दिस पीपल हैव नो आइडिया, मुंबई टू लद्दाख डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर जाना और 3000 किलोमीटर आना, तो 6000 के प्रोसेस में ना गांड का चबूतरा होने वाला होता है. एंड फॉर ऑल द साउथ बॉम्बे पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज चबूतरा, इट्स अ फ्लैट सरफेस गाइस. एंड फॉर ऑल द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गांड, यू शुड हैव गॉन टू अ बैड स्कूल. नो, दीज आर द सेम पीपल हु पुट अप द स्टेटसेस, टाइम टू गेट लेड. Before going to Leh Ladakh, they put up the status, time to get laid. LEH apostrophe D. And then I look at this guy's profile picture and I'm like, dude, tere life mein LAID aayega bhi nahi. Nahi, duk 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 se teri bike mein hone wala hai. Life mein nahi hoga.